नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुबोध डिजिटल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे लिंक करना है। इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों आधार कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक नया वेबसाइट बताएंगे जिससे आप अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपने आधार कार्ड में 100% आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं। आधार कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं किया जाता है। तो आपको दो वेबसाइट है जिससे आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। तो क्या प्रोसेस है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। कैसे आपको वेबसाइट पे जाना है, क्या नाम है वेबसाइट का, और कितना दिन में आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा, सब कुछ आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक दे दिया हूँ, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दिया हूँ। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते लिखा हुआ है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कैसे करें घर बैठे मोबाइल से। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते लिखा हुआ है घर बैठे आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर एक फ़ोटो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है और कैसे कैसे इसमें सारा चीज़ बताया गया है। अगर आपके पास टाइम है तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या भरना होता है फॉर्म में, तो ये चीज़ यहाँ पे एग्जांपल हम आपको लिख करके बताए हैं। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, लाल है कलर, रेड कलर है, उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा क्लिक हेयर का। आपको इसके ऊपर क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमने जो वेबसाइट बता रहा था थर्ड, ये जो वेबसाइट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वेबसाइट है, और इसी के माध्यम से आपको जो है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा। यहाँ पे इस फॉर्म को भरना होगा आपको। इस फॉर्म को भरने के बाद आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। दोस्तों आधार कार्ड जो है दो कंपनी को दिया है टेंडर, जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को और बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने का, और उसके बाद जनसेवा केंद्र में, ठीक है। तो जो CSC है कॉमन सर्विस सेंटर पे मिला है, उसके बाद IPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को मिला है, और बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है, ठीक है। तो IPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो डाक है, जो स्टाफ है, वही स्टाफ आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप ध्यान से देखेंगे तो आधार मोबाइल अपडेट, ये जो ऑप्शन है इस पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। मैंने टिक कर दिया, उसके बाद स्क्रॉल करना है आपको और यहाँ पर अपना सेलेक्ट करना है MR मिस्टर जो भी आप लगाते हैं नाम के आगे, उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो नाम कुछ इस तरीके से आपको टाइप कर लेना है यहाँ पे, और लास्ट नेम आपको इस तरीके से टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड में आप लिंक करना चाहते हैं यहाँ पर टाइप करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ईमेल आईडी दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे जो आप लिंक करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस लाइन वन देना है। यहाँ पे आपको जो है एड्रेस देना है, एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2। दोस्तों एड्रेस सब सही सही देना है, क्योंकि जो स्टाफ आएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, सही सही एड्रेस देंगे तभी आपके घर तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पिन कोड दीजिएगा, जो भी आपका पिन कोड है यहाँ पे दर्ज कीजिएगा। पिन कोड जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और अपना यहाँ पर पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे। पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे आप तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक भरा जाएगा फॉर्म। अब आपको यहाँ पे लिख देना है आधार कार्ड मोबाइल नंबर अपडेट, ठीक है। यहाँ पे मैसेज कर दिए हैं, टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड आप फिलअप करेंगे, कैप्चा कोड है 3414 3417 14 है, ठीक है। और इसके बाद सबमिट करेंगे। दोस्तों ये होता कैसे, यहाँ पे लिखा भी गया, आप देखेंगे तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। IPB जो है कस्टमर जो स्टाफ है, ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट का स्टाफ जो आता है डाक आपको सामान लेके, जैसे पैन कार्ड अगर कोई भी आपका जो डिलीवरी होता है, जैसे कि आपका पैन कार्ड ATM कार्ड आता है, जो स्टाफ आपका घर तक लेके आता है कार्ड, वही स्टाफ आएंगे आपके एड्रेस पे और आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ चार्जेस होता है, जैसे कि 100 रुपया के आसपास में आपसे चार्जेस लिया जाएगा, ठीक है, और वो मोबाइल के थ्रू ही कर देगा। आपका आधार नंबर लेगा, आपका मोबाइल नंबर लेगा, OTP के माध्यम से सबमिट कर देगा,
और एक घंटा के अंदर में मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है। अगर आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाला जो स्टाफ है उसका हम एक लाइव वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग का कमेंट आता है तो हम अपने घर पे उसको बुलाएंगे और एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा तो हम एक वीडियो बना देंगे। हालांकि ये अभी हम तरीका आपको बताए हैं और ये तरीका बहुत सारे स्टेट में काम कर रहा है। बहुत सारे स्टेट में जो है स्टाफ आपके घर पर नहीं आ रहा है तो आपको पोस्ट ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा। आपका जो पिन कोड है पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर जा करके आपको वहाँ से कॉल आएगा आपको और वहाँ पे जा कर के अपडेट कराना होगा। क्योंकि बहुत सारे पोस्ट ऑफिस में जो है पुराने आदमी हैं और पुराने आदमी सही से फ़ोन चलाते नहीं हैं तो वहाँ पे हेड ऑफिस यानी कि पोस्ट ऑफिस में ही ये काम होता है। उसको जो सिर्फ सामान पहुँचाने का काम मिलता है और वो पुराने आदमी को ये काम करने के लिए नहीं दिया जाता है आईडी पासवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप है मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर सबमिट करेंगे आप एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे आप सबमिट करेंगे एक रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक है, जाकर के आर्टिकल पढ़िए कैसे कैसे लिंक करना है और इस तरीके से आप रिक्वेस्ट कर दीजिए, आपका घर पे आ जाएगा स्टाफ जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट का है और मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, हम आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे जो है डाक स्टाफ होता है, डाक पोस्ट ऑफिस वाला, वो कैसे लिंक करता है। तो हम एक वीडियो बनाएंगे, उसका सेपरेट वीडियो रहेगा, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जब वो वीडियो बन जाएगा तो, ठीक है।